गुजरात में नहीं आसान है बीजेपी की राह। मोदी के खिलाफ राजपूत नेताओं ने बनाया प्लान। मोदी को चुनाव में हराने की खाई कसम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। गुजरात, ये नाम अब मोदी को डराने के लिए काफी है, क्योंकि गुजरात में बीजेपी के खिलाफ माहौल बना हुआ है। राजपूतों ने कसम खाई है कि किसी भी तरह से मोदी का 400 पार का प्लान पूरा नहीं होने देना है। इसलिए तो राजपूतों ने राजकोट के क्षत्रिय बाहुल्य के कई गांवों में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के एंट्री तक बैन कर दी है। और अब तो मैदान में खुद राजपूत समाज के कई नेता मोदी के खिलाफ उतर आए हैं। दरअसल गुजरात की राजकोट सीट से उम्मीदवार परशोत्तम रूपाला ने राजपूतों को लेकर विवादित बयान दे दिया था, जिसके बाद गुस्साए राजपूत समाज ने बीजेपी से मांग की कि रूपाला का टिकट वापस ले लिया जाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया, मोदी ने एक न सुनी। मोदी के खिलाफ राजपूत नेताओं ने भरी हुंकार, और अब जब बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया तो राजपूत खुद एक्शन मोड में आ गए हैं। राजपूत नेताओं ने मोदी के खिलाफ हुंकार भरनी शुरू कर दी है। 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होने वाला है और इसी दिन राजकोट में भी मतदान होगा, और अब इससे पहले ही राजपूतों ने मोदी के खिलाफ मोर्चा और बुलंद कर दिया है, जहां क्षत्रिय समाज ने सूरत में एक बड़ी जनसभा करके अपना शक्ति प्रदर्शन किया। खास बात तो ये रही कि इसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। इस जनसभा में राजपूत नेताओं ने जनता से अपील की कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ अपने वोट को तलवार के रूप में इस्तेमाल करना है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार क्षत्रिय अस्मिता महासम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य समन्वय समिति के सदस्य करण सिंह चावड़ा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया, स्वच्छ भारत समृद्ध भारत, इसीलिए हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बीजेपी चुनाव चिन्ह के आगे वाले बटन को साफ रखना है और उसे छूना नहीं है, इसे स्ट्रॉन्ग रूम में ऐसे ही भेजा जाना चाहिए। चावड़ा ने आगे कहा, हमने राजकोट के सभी 18 वार्डों में एक बूथ समिति बनाई है। रूपाला की उम्मीदवारी के खिलाफ विरोध के लिए हमने राजकोट में क्षत्रिय समाज का केंद्रीय कार्यालय भी खोल दिया है। पूरे राज्य में आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए इस महीने की शुरुआत में राज्य क्षत्रिय समाज संकलन समिति का गठन किया गया था। इतना ही नहीं, चावड़ा ने आगे ये भी दावा किया कि रूपाला चुनाव हार जाएंगे। उन्होंने कहा, हम अपना विरोध जारी रखेंगे, हमें दलित आदिवासी मुस्लिम और सिख जैसे विभिन्न समुदायों से भी समर्थन मिल रहा है। हम पाशा भाई के आभारी हैं जिन्होंने विवादित बयान दिए थे, जिसके कारण हमारा समाज एकजुट हुआ। अगर आप मतदान के दिन वोट देने जाए तो घर से निकलने से पहले अपनी बेटी का चेहरा जरूर देख लें। हमें यकीन है कि रूपाला चुनाव हार जाएंगे और विरोध राज्य की 10 सीटों पर नेताओं को प्रभावित करेगा। यानी राजपूत नेताओं ने मोदी के खिलाफ हुंकार भर के ये तो तय कर दिया है कि वो अब रुकने वाले नहीं है। वो खुद तो इसका विरोध कर ही रहे हैं, जनता के बीच जाकर भी जनता से भी कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ वोट देना है। राजपूतों ने कसम खा ली है कि अब बीजेपी को जीतने तो नहीं देना है। आपको ये भी बता दें, मार्च में परशोत्तम रूपाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। उसमें परशोत्तम रूपाला जनता को संबोधित करते हुए कह रहे थे, दूसरे ने भी हम पर राज किया, अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया और उन्होंने हमें सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजा भी झुक गए, उन्होंने राजाओं ने अंग्रेजों साथ रोटियां तोड़ी और अपनी बेटियों की शादी उनसे की। उनके इसी बयान के बाद से खूब बवाल मचा था। असर ऐसा हुआ कि रूपाला को माफी तक मांगनी पड़ी थी, लेकिन क्षत्रिय समाज का कहना है कि रूपाला ने दिल से माफी नहीं मांगी है। यही कारण है कि राजपूत समाज के नेता अब मैदान में पूरी तरह से उतर चुके हैं और जनता से अभी भी अपील कर रहे हैं कि मोदी के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ वोट देना है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या राजपूत नेताओं का असर चुनाव में देखने को मिलेगा? इनके बयान का असर, इनके प्लान का असर, मोदी कैसे राह आसान कर पाएंगे या हार जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।